और बागपत में बदमाशों को अब ना पुलिस का डर है और ना ही कानून का। बदमाश यहाँ जब चाहते हैं पुलिस को चुनौती देते हैं। ताजा मामला है बागपत कोतवाली क्षेत्र के अहेड़ा रेलवे स्टेशन के पास का। यहाँ अज्ञात बदमाशों ने दिल्ली से शामली जा रही जनता एक्सप्रेस ट्रेन में एक युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। युवक शामली के मलेंडी गांव का रहने वाला है और वो दिल्ली में किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था। दिल्ली से अपने घर लौटा था। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। तो जनता एक्सप्रेस पर बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग। बेखौफ है बदमाश, जब जी चाहता है जैसा चाहता है हर अपराध को अंजाम देते हैं और पुलिस तमाशबीन रहती है, कुछ नहीं कर पाती। बदमाशों के हौसले पुलिस की हर व्यवस्था से बुलंद नजर आते हैं। सर तो वो एक्चुअली हम ट्रेन में आ रहे थे तो जो है अचानक ही भीड़ बहुत थी ट्रेन में, जो है दो लड़के एकदम अचानक ट्रेन में से आए और जो है उन्होंने धुआंधार गोलियां चला दी एक लड़के पे जो सामने ही खड़ा था, और जो है अचानक गोलियां चलाने पे हम जो है काफ़ी ज़्यादा सतर्क आ गए और जो है हम एक तरफ खड़े हो गए, हम देखते रह गए और जो है उस मौके वारदात पे ही उसकी डेथ हो चुकी थी और जो है अचानक जो है ट्रेन से भी कूद कर भाग गए